हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। पिछले क्लास की बात करें बेटा, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रांसमिशन एंगल कैसे निकालते हैं, उसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। आज की क्लास की बात करें तो आज हम लोग देखने वाले हैं इन्वर्जन ऑफ फोर बार चैन मैकेनिज्म। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ फोर बार चैन मैकेनिज्म की अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, अपन देखने वाले हैं इन्वर्जन ऑफ फोर बार चैन मैकेनिज्म इसकी बात करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा ना, मैं यदि ये फोर बार चैन मैकेनिज्म की बात करूं तो मुझे तीन टाइप के मैकेनिज्म प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तीन टाइप के। पहला क्रैंक मैकेनिज्म, दूसरा क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म और तीसरा रॉकर मैकेनिज्म। मुझे तीन टाइप के मैकेनिज्म प्राप्त हो सकते हैं। पहला होता है बेटा डबल क्रैंक मैकेनिज्म। और मैं दूसरे की बात करूं बेटा, तो मुझे पता है कि ये क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म हो सकता है। ठीक है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। और मैं तीसरे टाइप के मैकेनिज्म की बात करूं तो मुझे मिल सकता है डबल रॉकर मैकेनिज्म। सही बात है, तीन ही टाइप के मिल सकते हैं। अपन बात कर रहे हैं इसके इन्वर्जन की ना, फोर बार चैन मैकेनिज्म के इन्वर्जन की बात करें तो तीन टाइप के मेरे को मैकेनिज्म प्राप्त हो सकता है। अपन थोड़ा सा इसमें आज देखने वाले हैं आज की क्लास में कि भाई मान लो कि बात डबल क्रैंक मैकेनिज्म की बात करूं या फिर क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म की बात करूं तो अपने जो डेली लाइफ है ना, उसमें कहां पर इसका अप्लाई किया जाता है। ठीक है, उसका एप्लीकेशन कहां पर है इसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके लूंगा, इसका मैं एक एग्जांपल लूंगा, इसका मैं एक एग्जांपल लूंगा, और डबल रॉकर मैकेनिज्म की बात करूं उसका मैं दो एग्जांपल लेने वाला हूं। ठीक है, प्यार से समझेंगे बड़े मजे से। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं डबल क्रैंक मैकेनिज्म। पहला बात कर रहा हूं बेटा क्रैंक मैकेनिज्म की, और इसके लिए मैंने एक बेहतरीन एग्जांपल चुना है। मैं काम करता हूं, एक ऐसा मैकेनिज्म लेता हूं जिसमें मैं किसी भी लिंक को फिक्स करूं तो मुझे क्रैंक मैकेनिज्म मिलने वाला है। और थोड़ा सा खुद ध्यान दीजिए बेटा, मैंने आपको बता चुका है कि भाई मान लो कि बात ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहता हूं तो वो मैकेनिज्म कौन सा है, तो आपको याद आना चाहिए वो मैकेनिज्म है बेटा पैरेललोग्राम। ठीक है, जिसको मैंने गोल्डन चैन भी बोला था। ठीक है, क्योंकि इसके किसी भी लिंक को मैं फिक्स करूंगा तो मुझे डबल क्रैंक मैकेनिज्म ही प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिए। तो मैंने एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं, एक पैरेललोग्राम वाला जो मैकेनिज्म है उसकी मैं बना लेता हूं डायग्राम। ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये मान लो की बात मेरा पहला लिंक है, ये दूसरा लिंक है, तीसरा लिंक है और ये चौथा लिंक है। क्लियर है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं यहां तक। ठीक है, हाँ, मैं बात करूं पेयर की तो यहां पर टर्निंग पेयर है, यहां पर भी टर्निंग पेयर है और यहां पर भी टर्निंग पेयर है, यहां पर भी टर्निंग पेयर है। मैंने ये जो वाला लिंक है ना बेटा, ये वाला, इसको मैंने फिक्स कर दिया है, इसको मैंने फिक्स कर दिया है। मैं नंबरिंग कर लेता हूं, ये लिंक नंबर वन है, ये टू है, ये थ्री है और ये फोर है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, इस वाले मैकेनिज्म की मैं बात करूं तो इसमें चार लिंक है और चार टर्निंग पेयर है। इतना याद रखिएगा, भी चार लिंक है और चार टर्निंग पेयर है। इस मैकेनिज्म में मैंने आपको बता दिया है कि इसमें डबल क्रैंक मतलब दो जो लिंक है आपके पास रोटेट करने वाले हैं। मैं मान लो के बाद इसको इनपुट बोला तो ये मान लो के बाद पूरा रोटेट कर जाएगा और ये चौथा नंबर का लिंक है ये भी पूरा रोटेट कर जाएगा, मतलब मेरा डबल क्रैंक मैकेनिज्म है। क्लियर सी बात है, चलिए इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं ना। ये जो लिंक नंबर टू है ना बेटा, लिंक नंबर टू और फोर दोनों सेम लेंथ के हैं, दोनों सेम लेंथ के हैं। मैं बात करूं लिंक नंबर वन और थ्री, ये दोनों सेम लेंथ के हैं। मान लो की बात मेरा जो फोर लिंक है ना बेटा, वो इनपुट लिंक है और मैंने इसको ना रोटेट करा दिया है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो मेरा जो आउटपुट लिंक है बेटा, कौन सा, ये जो टू नंबर का ये आउटपुट लिंक है, तो ये भी आपके पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ही
रोटेट करेगा। मैं मतलब बात करूं यहां पर, मान लो कि मैं इसको ओमेगा फोर बोलता हूं और इसको ओमेगा टू, तो इसमें होने वाला है ओमेगा फोर इज इक्वल टू ओमेगा टू। क्या ये बात एकदम क्लियर है? ये बात क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ये बात क्लियर होना चाहिए। अब थोड़ा सा देखते हैं, ये तो रहा मैकेनिज्म है, एक छोटा सा मैकेनिज्म है। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं, ठीक है, इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं कि अपन कहां पर इसको अप्लाई करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ना, ये मैकेनिज्म है और मुझे सिमिलैरिटी किस टाइप का निकालना है इस पर फिर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं ना लिंक का शेप चेंज कर सकता हूं, लिंक का शेप चेंज कर सकता हूं, जैसे कि मान लो के बाद ये लिंक नंबर टू है, इसको मैं डिस्क बना सकता हूं, ठीक है, या तो फिर इसको चक्का बना दिया। लिंक नंबर फोर की बात करूं, इसको भी मैं दूसरा चीज बना सकता हूं, ठीक है, लेकिन उसमें चार लिंक होना चाहिए, साथ ही साथ चार टर्निंग पेयर होना चाहिए, तब सिमिलैरिटी है। उसको मैं भी बोलूंगा कि भाई ये भी फोर बार मैकेनिज्म मेरा है, क्लियर है। चलिए भाई बात करते हैं ना, चलो मान लो की बात ये मेरा एक लिंक है, मैंने कहा था ना आपको कि भाई मैं लिंक का शेप चेंज कर सकता हूं, ठीक है, ये मेरा मान लो की बात दूसरा लिंक है। क्या दोनों सेम दिख रहे हैं? हाँ बेटा ये दोनों सेम दिख रहे हैं, दो लिंक बन गए ना। अब मान लो की बात ये तीसरा लिंक है मेरा, तीन लिंक बन गए, और इसी के पैरेलल में इसी के सेम लेंथ का मैंने एक चौथा लिंक बना दिया, ठीक है, चौथा लिंक बना दिया। अब मैंने क्या किया कि ये जो वाला लिंक है ना बेटा, इसको इसको मैंने फिक्स कर दिया, इसको मैंने फिक्स कर दिया, इसको मैंने फिक्स कर दिया, इसको मैंने टर्निंग पेयर से जोड़ दिया, और इसको भी मैंने टर्निंग पेयर से जोड़ दिया, और इसकी मैं बात करूं इसको भी टर्निंग पेयर, और यहां पर भी मैंने टर्निंग पेयर लगा दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा ना तुलना कीजिए ये वाला मैकेनिज्म को इससे, ये वाला मैकेनिज्म को इससे तुलना कीजिए, तो ध्यान दीजिएगा लिंक नंबर ये वन है, ये वन है, और ये जो चक्का टाइप का दिख रहा है ना बेटा, ये सर्कल, ये लिंक नंबर टू है। मैंने मतलब लिंक नंबर टू का शेप चेंज कर दिया एक चक्के के रूप में, एक चक्के के रूप में। इसकी बात करूं बेटा तो ये थ्री, ये लिंक नंबर थ्री है, और इसकी बात करूं तो ये लिंक नंबर फोर है। यहां तक क्लियर है? मतलब मुझे इसमें एक बात करूं और इसमें बात करूं तो बेटा इसमें चारों में, सॉरी ये दोनों में आपके पास चार लिंक है और चार टर्निंग पेयर है, मतलब दोनों सेम है। तो मैं इसको आराम से बोल सकता हूं कि बेटा ये मेरा फोर बार चैन मैकेनिज्म है, क्लियर है, फोर बार चैन मैकेनिज्म है। अब थोड़ा सा और गौर कीजिए ना, अब थोड़ा सा और गौर कीजिए, मैं काम करता हूं ना, इसको हटा देता हूं, मैं इसको मैं अब हटा देता हूं ना, ठीक है, और अच्छे से इसको बना लेता हूं मैं, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, ये लिंक नंबर वन है फिक्स जो है, ये लिंक नंबर वन है। असल में ये है क्या, ये जो मैकेनिज्म है क्या, ये असल में ना बेटा आपके पास जो लोकोमोटिव स्टीम इंजन होता है ना, उसका चक्का है, उसका पहिया है, और उसमें मैंने ये लिंक नंबर थ्री जो लगा दिया ना बेटा, यही मेरा क्या है, कपलिंग रॉड है, ठीक है, कपलिंग रॉड है, कपलिंग रॉड है। मतलब मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, तो ये असल में एग्जाम्पल किसका है बेटा, ये है बेटा कपलिंग रॉड ऑफ, कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव, लोकोमोटिव, ठीक है, कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव, जिस पर यदि मैं इस चक्के पर इनपुट दूं, मतलब पावर के थ्रू मैं इसको इनपुट दे रहा हूं, कुछ एंगुलर वेलोसिटी दे रहा हूं इसमें, मान लो की बात ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दे रहा हूं, तो भाई मैंने अभी के बताया आपको कि भाई इस मैकेनिज्म में कि मैं यदि इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी देता हूं, तो ये भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब मैं ये चौथे नंबर की लिंक की बात करूं और यहां पर दूसरे नंबर की लिंक की बात करूं, दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। क्या ये बात एकदम क्लियर है? क्योंकि भाई मैंने आपको यहां पर ये बता दिया कि भाई कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव किस टाइप का काम करता है, क्लियर सी बात है। मैं इसमें थ्री नंबर की बात करूं बेटा, यही मेरा कपलिंग रॉड है, कपलिंग रॉड है, क्लियर सी बात है। चलिए अब आगे बात करते हैं ना, अपन बात करने वाले हैं सेकंड मैकेनिज्म की। सेकंड मैकेनिज्म मेरा कौन सा है बेटा?
सेकेंड मैकेनिज्म है मेरा क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। इसका मैं एग्जांपल लेने वाला हूं क्या, बीम इंजन। ठीक है, बीम इंजन, बीम इंजन की मैं एग्जांपल लेने वाला हूं, इस पे बात करने वाला हूं कि भाई कैसे मेरे पास जो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म है ना भाई, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म है, उसका जो मैकेनिज्म मुझे प्राप्त हुआ है उसको अप्लाई करके मैं बीम इंजन बनाऊंगा कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म में कैसे काम करता है भाई, कैसे होता है क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, ये पहले अपन देख लेते हैं, फिर उससे मैं बीम इंजन कैसे बनाऊंगा उसको भी देखेंगे। ठीक है, मान लो कि बात ये मेरा एक फिक्स लिंक है, फिक्स लिंक है, और ये सेकेंड लिंक है बेटा मेरा, ये थर्ड लिंक है, और इसके साथ एक छुटकू लिंक जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको मैंने कहा अभी कि ये फिक्स लिंक है तो मैंने इसको फिक्स कर दिया, और ये जो चारों लिंक है ना बेटा, चारों लिंक है, ये टर्निंग पेयर से जुड़ा हुआ है, टर्निंग पेयर से जुड़ा हुआ है। मैंने इसके पहले क्लास में आपको बता दिया था भाई कि मान लो कि बात शॉर्टेस्ट लिंक का एडजेसेंट यदि फिक्स है तो मुझे किस टाइप का मैकेनिज्म प्राप्त होने वाला है, मुझे मैकेनिज्म प्राप्त होने वाला है क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, जिसमें मैं बात करूं बेटा ये जो छुटकू लिंक है ना, स्मॉलेस्ट लिंक है, ये पूरा रोटेट कर जाएगा 360 डिग्री, और ये जो ये वाला जो लिंक है ना बेटा, ये ऑस्किलेट करेगा, मतलब क्रैंक रॉकर, क्रैंक रॉकर, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मुझे प्राप्त होने वाला है। ठीक है, अब इस मैकेनिज्म का यूज करके अपन कैसे बीम इंजन बनाएंगे इसकी बात करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई मान लो की बात लिंक का मैं शेप चेंज करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, देखिएगा मैं नंबरिंग कर लेता हूं सबसे पहले। मान लो की बात मैंने इसको लिंक नंबर 1 बोल दिया, इसको लिंक नंबर 2 बोल दिया, और इसको लिंक नंबर 3, और इसको मैं लिंक नंबर 4 बोल दिया। मतलब मेरा जो लिंक नंबर 4 है वो स्मॉलेस्ट लिंक है, पूरा रोटेट कर सकता है। ठीक है, ये चीज मैं हटा लेता हूं। चलिए अब बात करते हैं ना बीम इंजन की बात करते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले मैं फिक्स लिंक बनाता हूं, सबसे पहले मैं फिक्स लिंक बना लेता हूं। मान लो की बात ये मेरा फिक्स लिंक है, देखिएगा ये हॉरिजॉन्टल है, हाँ बिल्कुल है, ये मेरा फिक्स लिंक है। लिंक नंबर 1, ठीक है। इसके बाद मैं बनाता हूं ये छुटकू वाला लिंक। ठीक है, छुटकू वाला लिंक मैं बना लेता हूं, मैं ये मान लो की बात मेरा छुटकू वाला लिंक है, क्लियर, छुटकू वाला लिंक। अब मैं बनाता हूं ये वाला लिंक नंबर 3 जो है, इसको मैं बना लेता हूं, ये मैंने लिंक नंबर 3 बना लिया। ठीक है, इसके साथ जुड़ा हुआ लिंक नंबर 2, उसको मैं भी बना ही लेता हूं। ठीक है, ये मेरा लिंक नंबर 2 है। कोई दिक्कत है सर? दिक्कत है सर, अभी दिक्कत है, क्यों भाई? लिंक नंबर 2 लिंक नंबर 1 से जुड़ा हुआ है टर्निंग पेयर से, मतलब लिंक नंबर 2 फिक्स लिंक से जुड़ा हुआ है टर्निंग पेयर से, लिंक नंबर 1 यहां पर मेरा है, फिक्स लिंक यहां पर है, तो भाई मेरा आपके पास जो लिंक नंबर 2 है ना, इसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसके लिए अपन एक जुगाड़ करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं बेटा, ध्यान दीजिएगा ना, कुछ नहीं करते हैं, मैं काम करता हूं ये जो लिंक नंबर 1 है ना, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं, एक्सटेंड कर लेता हूं इस टाइप का। ठीक है, मैं बात करूं बेटा, ध्यान देना ना, अब थोड़ा सा ध्यान देना, लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 4, मैंने कहा था कि ये लिंक नंबर 1 है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये लिंक नंबर 1 है, ये 4 है, ये 3 है, और ये 2 है। ठीक है, लिंक नंबर 1 और 4 एक टर्निंग पेयर से जुड़ा हुआ है, मैं जोड़ देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये टर्निंग पेयर से मैंने जोड़ दिया। लिंक नंबर 4 और 3 भी टर्निंग पेयर से जुड़ा हुआ है, मैं जोड़ देता हूं इसको भी। 3 और 2 टर्निंग पेयर से जुड़ा हुआ है, मैंने जोड़ दिया। और लिंक नंबर टू और लिंक नंबर 1 भी एक टर्निंग पेयर से जुड़ा हुआ है। मैंने बोला है कि बेटा मेरी जो लिंक नंबर 1 है ना, इसको मैंने थोड़ा सा शेप चेंज कर दिया है, शेप चेंज कर दिया है, मतलब मैं ये जो दिख रहा है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये दिख रहा है ना, ये बीम टाइप का दिख रहा है, असल में बीम ही है, ये बीम टाइप का दिख रहा है, ये फिक्स लिंक है, ये फिक्स लिंक है। ठीक है, इसीलिए तो बीम इंजन बोलते हैं ना, इसीलिए इसको बीम इंजन बोलते हैं। ये जो बीम टाइप का दिख रहा है, ये असल में फिक्स लिंक है, मतलब 1 को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया हूं। तो लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 1 भी एक टर्निंग पेयर से जुड़ा हुआ है, तो भाई जोड़ देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिंक नंबर 1 है और ये लिंक नंबर 2 है, दोनों को मैंने टर्निंग पेयर से जोड़ दिया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या ये मैकेनिज्म
और ये मैकेनिज्म दोनों क्या सेम है? बिल्कुल सेम है बेटा, क्योंकि मैं यहां तक बात करूं ना, देखिएगा ये वाले पे बात करते ना अपन, ये वाले पे कि यहां पर भी चार लिंक है, 1 2 3 4, और चार टर्निंग पेयर है, 1 2 3 4, चार लिंक चार टर्निंग पेयर। मतलब मैं इस वाले मैकेनिज्म की बात करूं, सिमिलर है इससे, सिमिलर है इससे। मतलब मैं इसकी बात करूं बेटा, यहां पर मुझे मिलने वाला है क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मैंने अभी आपको बताया कभी कि चौथा नंबर का जो लिंक है ना, ये चुटकू लिंक है, ये पूरा रोटेट कर जाएगा 360 डिग्री, ये पूरा रोटेट कर जाएगा, ठीक है, 360 डिग्री पूरा रोटेट कर जाएगा। और यहां से मैंने बोला था कि भाई आपके पास लिंक नंबर 2 है ना, वो असल में रॉकर है। रॉकर है मतलब क्या, वो ऑस्किलेट करेगा। मतलब लिंक नंबर 2 की मैं बात करूं बेटा, तो यहां पर ये ऑस्किलेट करने वाला है, ऑस्किलेट करने वाला है। थोड़ा सा ना इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए हैं, जो लिंक नंबर 2 को ना थोड़ा सा हल्का सा मैंने एक्सटेंड कर दिया है। जब ये लिंक नंबर 2 ऑस्किलेट करेगा, तो जाहिर से बात है इसका जो एक्सटेंडेड पोर्शन है ना बेटा, ये भी ऑस्किलेट करने वाला है, ऑस्किलेट करने वाला है। क्या ये बात क्लियर है? ऑस्किलेट करने वाला है, सही बात है, ऐसे ऑस्किलेट होगा ना, ये ऐसा ऑस्किलेट होगा, सही बात है। मतलब लिंक नंबर 4 यदि क्रैंक बना हुआ है तो ये रोटेशन में रहेगा बेटा, तो आपके पास लिंक नंबर 2 ऑस्किलेट करने वाला है, क्योंकि ये रॉकर है, ये रॉकर है। यहां तक एकदम क्लियर बात है, यहां तक एकदम क्लियर बात है। चलिए अब बात करते हैं ना आगे ना थोड़ा, ठीक है। अब ना थोड़ा सा ना इसके जो एक्सटेंडेड वाला पोर्शन का जो एंड पोर्शन है ना बेटा, इस पर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूं, डिस्कशन करना चाहता हूं। तो मैंने देखा, मान लो कि बाद मैं स्मॉल सा मैं आर्क लेता हूं, तो ये अप्रोक्सीमेट मुझे स्ट्रेट लाइन दिखता है, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन दिखता है। तो फट से मैं काम करता हूं बेटा कि मैं इस पर ना, इस पर ना एक रॉड की सहायता से, एक रॉड की सहायता से पिस्टन लगा लेता हूं, मैं एक रॉड की सहायता से पिस्टन लगा लेता हूं, जिसके जो जो पिस्टन है बेटा एक सिलेंडर के अंदर पे रहेगा, सिलेंडर के अंदर पे रहेगा। यही मेरा बीम इंजन है बेटा, यही मेरा बीम इंजन है, ठीक है। इसमें यदि मैं बात करूं बेटा मेन मैकेनिज्म की, जो आपके पास क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म है वो इतना है, 1 4 3 2, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ना बेटा एक्सटेंडेड पोर्शन है, ठीक है, एक्सटेंडेड पोर्शन है, और यही मेरा बीम इंजन है। सिंपल सा, यही मेरा बीम इंजन है। तो क्या ये बात एकदम समझ आया? अब थर्ड टाइप का मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं, रॉकर रॉकर मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं। थर्ड टाइप का मैकेनिज्म क्या है बेटा आपके पास? आपके पास थर्ड टाइप का मैकेनिज्म है रॉकर रॉकर मैकेनिज्म। मैंने आपको बताया था कि भाई रॉकर रॉकर मैकेनिज्म में मैं दो एग्जांपल लेने वाला हूं, दो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं लेने वाला हूं। पहला प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं लेने वाला हूं बेटा वॉट्स, वॉट्स इंडिकेटर, इंडिकेटर मैकेनिज्म, वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म। ये क्या होता है थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने वाले हैं अपन, बात करने वाले हैं, इसकी चर्चा करने वाले हैं। दूसरा मैं रॉकर रॉकर मैकेनिज्म की बात करूं तो मैं बात करने वाला हूं बेटा वॉट्स मैकेनिज्म की, वॉट्स मैकेनिज्म की, इसकी मैं बात करने वाला हूं। और ये वॉट्स मैकेनिज्म की मैं बात करूं बेटा तो इसको और बोलते हैं, एक चीज और बोलते हैं, क्या? अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। कैसे आपको एक अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसकी भी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन व्हाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म, कैसे क्या होता है ये थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। चलो, व्हाट्स इंडिकेटर, इंडिकेटर मैकेनिज्म, चलिए इसकी चर्चा करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं अभी फोर बार चैन मैकेनिज्म की भी, तो इसमें भी आपके पास चार लिंक होंगे, चार टर्निंग पेयर होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज रहेगा किस पे, शेप का चेंज रहेगा और ओरिएंटेशन का चेंज रहने वाला है, देखिएगा इस बात को। चलिए, तो सबसे पहले मैं काम करता हूं, एक फिक्स लिंक बना लेता हूं,
एक फिक्स लिंक मैं बना लेता हूँ। मान लो कि बात ये मेरा फिक्स लिंक है, इस जिसको मैंने बोल दिया लिंक नंबर वन, जिसको मैंने बोल दिया लिंक नंबर वन। एक और लिंक बना लेता हूँ बेटा, ये मान लो कि बात मेरा दूसरा लिंक है और ये एक तीसरा लिंक है, ठीक है, तीसरा लिंक है। ध्यान दीजिएगा ना, यहां पर ये जो वाला मैं लिंक बनाया हूं ना, इसका जो लास्ट वाला एंड है ये फ्री है, फ्री है, ये किसी के साथ कनेक्शन पे नहीं है, फिक्स लिंक के साथ कनेक्शन पे नहीं है, ये फ्री है, ठीक है। बात करते हैं आगे ना, पेयर बना लेता हूं मैं, पेयर ये एक टर्निंग पेयर है, तो मुझे अभी तक ये एक टर्निंग पेयर और ये एक टर्निंग पेयर मिला है, मतलब मेरे पास दो टर्निंग पेयर है और तीन लिंक है, चौथा लिंक और दो टर्निंग पेयर मुझे अभी दिख नहीं रहा है। देखिएगा कैसे बनता है वो, चलिए मैं बनाता हूं। ये मेरा एक लिंक है ना, समझिएगा मैं पहले नेमिंग कर लेता हूं भाई। मान लो कि बात ये वन है, ये वन है, ये लिंक नंबर टू है और थ्री है, तीन मेरे को लिंक दिख चुका है और एक चौथा लिंक मुझे देखना है कहां पर है, उसकी भी बात करने वाले हैं। उसके पहले मैं नेमिंग कर लेता हूं। मान लो कि बात ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, मान लो कि बात ये सी है और ये डी है और ये ई है, ठीक है, सी डी ई। अब बताते हैं भाई, टर्निंग पेयर बना लेते हैं। यहां पर सी पॉइंट पे है ना बेटा, यहां पर एक टर्निंग पेयर है और यहां पर भी एक टर्निंग पेयर है, ठीक है। मतलब मुझे अब चार टर्निंग पेयर दिख लिया है। साथ ही साथ मैं बात करूं लिंक नंबर, ये जो सी ई डी है ना बेटा, सी ई डी है, असल में ये एक लिंक है, ठीक है, ये एक लिंक है, एक लिंक है, सी ई डी एक लिंक है, मतलब ये मुझे चौथा लिंक भी मुझे दिख गया, ये मेरा चौथा लिंक है। मतलब चार लिंक, चार टर्निंग पेयर, अब मैं इसको बोल सकता हूं फोर बार चैन मैकेनिज्म। क्या आपको ये बात समझ आया? समझ आना भी चाहिए। चार लिंक, चार टर्निंग पेयर, मतलब ये मेरा फोर बार चैन मैकेनिज्म है। अब इसमें ना थोड़ा सा ना मैं चीजें ऐड करता हूं, कुछ कुछ चीजें मैं ऐड करता हूं, कैसे, ध्यान दीजिएगा ना। ई पॉइंट पर मैं बात करता हूं, मैं काम करता हूं, यहां पर एक लाइन बना लेता हूं, ये मान लो कि बात लाइन है और इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ मैं प्लंजर को जोड़ देता हूं बेटा, प्लंजर को मैं जोड़ देता हूं और यहां पर बना लेता हूं मैं सिलेंडर, सिलेंडर जो कि फिक्स है, जो कि फिक्स है, ठीक है। इसकी मैं बात करूं तो ये क्या है, प्लंजर है, प्लंजर है, और ये क्या है बेटा, प्लंजर रॉड है, प्लंजर रॉड है। इसकी बात करूं तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर है, ठीक है। यहां तक क्या बात एकदम क्लियर है? ध्यान दीजिएगा यहां पर मैंने पी पॉइंट जो बनाया है ना, यहां पर ये फ्री है, फ्री है, किसी लिंक के साथ ये जुड़ा हुआ नहीं है, उसमें कनेक्शन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां तक बात एकदम क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं ना। अब सिलेंडर है और प्लंजर है तो जाहिर से बात है, मान लो कि बात यहां पर कुछ प्रेशर है, गैस का कुछ प्रेशर है, तो प्रेशर के कारण आपके पास जो प्लंजर है ना बेटा, ये अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इनिशियल प्रेशर कुछ रहा होगा और प्रेशर बढ़कर कुछ हो गया, तो भाई आपके पास ये जो प्लंजर है ना, ये अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा, मतलब ये प्लंजर रॉड को अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो भाई यहां से मैं बात करूं, ई पॉइंट है ना, ई पॉइंट पर नहीं रहेगा, ये कहीं पर चले जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि बात ये ई डेस हो गया, ई डेस हो गया, तो भाई आपके पास जो मैकेनिज्म बना है ना, वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा कि ये थोड़ा सा ना शिफ्ट कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, समझ रहे हो, वो अपवर्ड डायरेक्शन पे शिफ्ट कर जाएगा। और कैसे शिफ्ट करेगा मैं आपको बताता हूं, कैसे शिफ्ट करेगा मैं आपको बताता हूं। ठीक है, समझ आया चीजें, ठीक है। प्रेशर जैसे ही बढ़ा, ये प्लंजर रॉड को धक्का देगा, ई पॉइंट ई डेस पर चले गया, और यहां पर मैं सी पॉइंट की बात करूं, ये वाला सी पॉइंट था, सी पॉइंट,
यहां पर चले गए ये सी डैश पर, बी पॉइंट जो है बेटा यहां बी डैश पर, यहां पर चले गया डी पॉइंट डी डैश पर चले गया, और यहां पर पी की बात करूं बेटा ये पी डैश पर चले गया, पी डैश पर चले गए। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए भाई, ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये हल्का सा शिफ्ट हो गया प्रेशर के कारण। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि मान लो की बात इस पी पॉइंट के, ये पी पॉइंट के मैं पाथ को देखूं, पाथ को देखूं तो ये कुछ इस टाइप का गया है, इस टाइप का गया है, ठीक है। और ये जो मैं लाइन की बात करूं बेटा तो ये अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन है, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन है। तो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ध्यान देना, यहां पर कुछ नहीं किया, मैं काम करता हूं इस पर कि आपके पास ये जो पी पॉइंट है ना, इस पर ना एक पॉइंटर लगा लेता हूं मैं, एक पॉइंटर लगा लेता हूं, ये मैंने पॉइंटर लगा लिया, ठीक है। और यहां पर मैं बना लेता हूं बेटा एक स्केल, एक स्केल बना लेता हूं, ठीक है, मैं एक स्केल बना लेता हूं, ठीक है, ये मैंने स्केल बना लिया। अब सुटेबल यूनिट चेंज करके मैं आराम से यहां पर जो प्रेशर वेरिएशन हो रहा है ना, इस पॉइंटर के थ्रू मेजर कर सकता हूं। क्या ये बात क्लियर हुआ है? एकदम क्लियर होनी चाहिए ना। इस पॉइंटर के हेल्प से मैं आराम से मेजर कर सकता हूं कि भाई इसमें कैसे प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है। यही मेरा वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म होता है, ठीक है। और यहां पर मैं पी की पाथ की बात करूं तो वो अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन होता है, ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। मैं कुछ कुछ पॉइंट इसमें नोट कराता हूं ना, कुछ कुछ पॉइंट मैं यहां पर नोट कराता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं बेटा, ठीक है, इसको छोटा कर लेता हूं, यहां पर लिखता हूं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास जो सी एफ है ना, सी एफ है कहां पर है, सॉरी सीई, सीई और ईडी, ईडी इन दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन, ठीक है। और बात करें, ये जो सी ए और ईडी, मतलब सी ई डी मेरे पास एक लिंक है, सी ई डी मेरे पास एक लिंक है, एक लिंक की तरह बिहेव कर रहा है। और मजे की बात क्या है पता है बेटा इसमें, जब जब प्रेशर वेरिएशन होता है ना तो ये सी ई डी आपके पास ऑस्किलेट करता है, ऑस्किलेट कर सकता है, मतलब आपके पास प्रेशर कम हुआ तो नीचे आ जाएगा, आप प्रेशर ज्यादा हो गया तो ऊपर चले जाएगा, मतलब ऑस्किलेट कर रहा है। मतलब ये मैं सीईडी लिंक की बात करूं, असल में बेटा ये एक रॉकर की तरह बिहेव कर रहा है, रॉकर की तरह बिहेव कर रहा है। मेरे को एक रॉकर मिल गया, मैं अभी बात कर रहा हूं बेटा किसकी, मैं बात कर रहा हूं डबल रॉकर मैकेनिज्म की, डबल रॉकर मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, मतलब मेरा जो चौथा नंबर का लिंक है ना वो असल में रॉकर है। साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो पी पॉइंट है ना बेटा, ये अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन को, पाथ के पाथ को फॉलो कर रहा है। मैं बात करूं इसके प्रेशर वेरिएशन की, मान लो कि प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो ये अपवर्ड मोशन कर रहा है, यदि प्रेशर कम हो रहा है तो भाई ये नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब मैं पी पॉइंट की बात करूं तो ये भी ऑस्किलेट कर रहा है, मतलब ये पी पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है, बी डी बी पी वाले लिंक से, मतलब लिंक नंबर थ्री से जुड़ा हुआ है। तो मैं लिंक नंबर थ्री की बात करूं बेटा तो ये भी ऑस्किलेट कर रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि बेटा लिंक नंबर थ्री जो है ना वो एक रॉकर है, रॉकर है। क्लियर सी बात है, लिंक नंबर थ्री या फिर बीपी लिंक की बात करूं, बीपी लिंक की मैं बात करता हूं बेटा, ये भी आपके पास एक रॉकर है या फिर लीवर है। मतलब मुझे क्या मिल गया बेटा, डबल रॉकर मैकेनिज्म, डबल रॉकर मैकेनिज्म मुझे मिल गया है, डबल रॉकर मैकेनिज्म। क्या ये बात एकदम क्लियर है, क्या ये बात एकदम क्लियर है? क्लियर होना भी चाहिए बेटा, वॉट्स इंडिकेटर डायग्राम पे क्या हो रहा है थोड़ा सा क्लियर होना भी चाहिए। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं ना, थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, चीजें अच्छे से समझ आए। मैंने एक मैकेनिज्म बनाया जिसमें चार लिंक है, चार टर्निंग पेयर है, मैंने बता दिया कि भाई हाँ ये फोर बार चैन मैकेनिज्म है, फोर बार चैन मैकेनिज्म है। अब होता क्या है इसमें कि भाई मान लो के बाद इसमें प्रेशर वेरिएशन होता है तो ये मान लो के बाद प्रेशर बढ़ रहा है तो ये जो ई पॉइंट है ना ई डैश पे चले जाता है, मतलब अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है ये मैकेनिज्म। तो पी पॉइंट है ना बेटा
पीडीएस पे चले जाता है। तो मैंने ये पी के पाथ को देखा तो भाई ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन की दिख रहा है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक स्केल बना दिया जिससे सहायता से मैं आराम से निकाल सकता हूं कि भाई इसमें जो प्रेशर वेरिएशन हो रहा है ना वो कैसे हो रहा है, ठीक है, कितना कितना प्रेशर मुझे मिल रहा है। ये रहा आपके पास वाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म। यहां तक एकदम क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा वाट्स मैकेनिज्म। सेकंड इसका एग्जांपल है रॉकर, रॉकर मैकेनिज्म का वाट्स मैकेनिज्म, ठीक है, वाट्स मैकेनिज्म। ये कैसा मैकेनिज्म है? रॉकर, रॉकर मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा वाट्स मैकेनिज्म अपन बनाने की कोशिश करते हैं। इसी को मैं क्या बोलता हूं, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट स्टेट लाइन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कैसे बनता है थोड़ा चर्चा करते हैं ना, ठीक है, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं एक फिक्स लिंक बना लेता हूं। मान लो की बात ये मेरा फिक्स लिंक है, ये लिंक नंबर वन है, ठीक है। इसके साथ मैं एक दूसरा लिंक बना लेता हूं, ये मान लो की बात मेरा सेकंड लिंक है, ठीक है। ये एक और लिंक है, ठीक है, जो कि फिक्स लिंक से जुड़ा हुआ है। ये दोनों का एंड को मैं जोड़ देता हूं तो मुझे एक और लिंक प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसमें मैं पेयर की बात करूं, टर्निंग पेयर की बात करूं, तो ये एक टर्निंग पेयर मुझे मिल गया, ये एक टर्निंग पेयर है बेटा, ये भी एक टर्निंग पेयर है। नेमिंग करता हूं ना, ये लिंक नंबर वन है, ये लिंक नंबर टू, ये थ्री और ये फोर, ठीक है बेटा, ये तो लिंक नंबर वन है ही। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर चार लिंक है, चार टर्निंग पेयर, मतलब ये मेरा फोर बार चैन मैकेनिज्म है। पहली बात तो ये सही बात है। अब ये वाट्स मैकेनिज्म कैसे है इसकी थोड़ा सा अपन चर्चा करते हैं, और कैसे अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मुझे मिलने वाला है इसकी भी अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं ना, मैं काम करता हूं ना यहां पर, मैं ना ये वाला जो लिंक नंबर थ्री है ना, असल में छुटकू लिंक है ना, ध्यान दीजिएगा ये छुटकू लिंक है। तो इस पे मैं एक पॉइंट पी ऐसे लेता हूं, पॉइंट पी ऐसे लेता हूं, सबसे पहले मैं इसका नेमिंग कर लेता हूं। मान लो के बाद ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी पॉइंट है। तो मैं पी पॉइंट को ऐसा लेता हूं कि भाई इसका जो रेशियो है, कौन सा वाला रेशियो है, ध्यान दीजिएगा ना, सीपी अपॉन, सीपी अपॉन ए बी, ए बी इज इक्वल टू पीबी अपॉन सी डी होना चाहिए। मैं पी पॉइंट कैसे ले रहा हूं, पी पॉइंट ऐसे ले रहा हूं ये जो छुटकू लिंक है सीबी पर, कि आपके पास जो रेशियो है ना सीपी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पीबी अपॉन सी डी होना चाहिए, ठीक है, सी डी होना चाहिए। एक और मजे की बात, यहां पर मैं पहले से आपको बता दे रहा हूं कि जो ए बी लिंक है ना बेटा, ये असल में एक रॉकर है, रॉकर है या फिर लीवर है। और सी डी लिंक की मैं बात करूं तो ये भी आपके पास रॉकर है, लीवर है। मतलब एक चीज तो मुझे दिख गया कि बेटा ये डबल रॉकर मैकेनिज्म है, डबल रॉकर मैकेनिज्म है। ए बी ऑस्किलेट करेगा यहां पर, सी डी ऑस्किलेट करेगा यहां पर, ठीक है, ये वाले पाथ पर ये, या फिर ये वाले कर्व पर ये ऑस्किलेट करेगा। और सी डी की बात करूं बेटा तो ये वाले कर्व पर ये ऑस्किलेट करेगा, ठीक है। मान लो की बात, मान लो की बात जो बी पॉइंट है ना बेटा ऑस्किलेट करके यहां पर चले गया, मैं दूसरे कलर यूज कर लेता हूं, चलो ठीक है, बी पॉइंट है बी डेस पर चले गया यहां पर, ठीक है, बी डेस पर चले गया। तो आपके पास जो सी पॉइंट है ना बेटा उसका सी डेस कहां पर चले जाएगा, यहां पर चले जाएगा। मान लो की बात ये सी डेस है, सी डी लिंक ऐसा बन जाएगा। सीबी लिंक की बात करूं बेटा तो ये बी डेस सी डेस ये कुछ इस टाइप का बनने वाला है, ठीक है, बनने वाला है। और पी की बात करूं तो पी बेटा आपके पास कहीं यहां पर चले जाएगा, ठीक है, यहां पर चलेगा। मतलब समझिएगा ना, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच आपके पास कई सारे ऐसे एंगल बन सकते हैं। मान लो ये थीटा है अभी, तो थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री ऐसे बन सकता है। तो मैं यदि पी के पाथ को देखूं, पी के पाथ को देखूं तो मुझे किस टाइप का बनने वाला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, मैं थोड़ा सा मोटा करके बनाता हूं इसको। पी के पाथ की बात करूं बेटा तो मुझे वो दिखने वाला है कुछ इस टाइप का,
क्लियर है। पी का पाथ मुझे कैसे दिखने वाला है, कुछ इस टाइप का मुझे दिखने वाला है, ये प्रैक्टिकली होता है, ठीक है, ये प्रैक्टिकली होता है। और ध्यान दीजिएगा ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहां तक के पोर्शन की मैं बात करूं, यहां तक के पोर्शन की बात करूं, ये वाले, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, या फिर मैं बात करूं इसके पाथ की, तो भाई ये अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन है। इसीलिए इस मैकेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन। क्या बात एकदम क्लियर है, ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये बेटा रहा अपने पास कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल फोर बार चैन मैकेनिज्म का, आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।